ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वापस रुक करते हुए हैदराबाद के निगम चुनाव के नतीजों का, जिसके रुझान इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 67 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 41 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। AIMIM 33 सीटें इस बार थोड़ी सम्मानजनक स्थिति में वापस आते हुए दिख रही है, और कांग्रेस जस की तस 2 सीटों पर बढ़त के साथ अब भी बनी हुई है। यानी कि कांग्रेस का जो वैक्यूम बना उसको बीजेपी ने साफ तौर पर ऑक्यूपाई करने की पकड़ वहां बनाने की स्थिति अपनी बना ली है, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि सुबह से जो रुझान दिखाई दे रहे थे वो बीजेपी को काफी उत्साहित करने वाले थे, जहां बीजेपी 80 से ऊपर जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नतीजे सेटल होते जा रहे हैं। देखिए, माजिद हुसैन मेहंदीपट्टनम वार्ड से जीत गए हैं, ये AIMIM के नेता हैं, उम्मीदवार हैं, पूर्व मेयर माजिद हुसैन की जीत हुई है। संजय जी, फटाफट से ये आंकड़ा आपको कितना लगता है कि नतीजे में तब्दील होने की क्षमता रखता है? मुझे लगता है कि लगभग जो अब आंकड़े इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम 3-4 राउंड की काउंटिंग हो गई होगी, और मुझे लगता है कमोबेश यहीं पर नतीजे सेटल होंगे। लेकिन रोहित, जिस बात का जिक्र आपने किया कि कांग्रेस जहां है उसने अपना एक तरह से अपने पोजीशन वेकेट किया और वो बीजेपी फिल कर रही है, कमोबेश यही चीज़ आपको देश के अलग अलग राज्यों में भी, की राजनीति में भी यही देखने को मिलता है। जिन राज्यों में रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, हम अभी हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के नतीजों की का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में या देश की जिन राज्यों में कांग्रेस नीचे गिरती है और रीजनल पार्टी मजबूत है, वहाँ बीजेपी बहुत इनरोड्स बनाने में मुश्किल होती है उन्हें। लेकिन तो बीजेपी को सारा फायदा जो हो रहा है वो कांग्रेस के नीचे जाने से हो रहा है। यहाँ पर भी टीआरएस और AIMIM ने अपनी जो पकड़ बना के रखी, इस वजह से बीजेपी शायद जितना उम्मीद करती थी उतना उतनी बढ़त बना नहीं पाई। आशुतोष जी और संगीत रागी दोनों कमेंट करना चाहते हैं, करिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद, ताकि आराम से कर पाए, पूरी बात कह पाए। और 41 सीट की बढ़त के साथ बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में बनती हुई दिख रही है। अभी ये रुझान है, नतीजे नहीं है, नतीजे देर शाम तक आएंगे क्योंकि इस बार बैलेट से गिनती हो रही है। टीआरएस 67 सीटों के साथ सबसे आगे और AIMIM 33 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। झटका दोनों को है और लाभ बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगा हैदराबाद में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी तक के रुझानों के मुताबिक एक बार फिर टीआरएस नंबर 1 की पार्टी बनती हुई, लेकिन दूसरे पोजीशन से AIMIM को हटाकर बीजेपी अब नंबर 2 की पार्टी वहां पर बन रही है। क्या ये उस हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार का असर है, ध्रुवीकरण है, या फिर ये देखिए जो दक्षिण में आप अक्सर देखते हैं, दूध स्नान जिसे कहा जाता है, दूध स्नान KCR को कराते हुए आपको दिख रहे हैं वहां पर उनके कार्यकर्ता। गुलाबी रंग जो उनकी पार्टी का रंग है उसका रंग हावी, हालांकि पिछली बार से अगर हम देखें तो अभी तक के रुझानों के मुताबिक तो ये काफी नीचे होता हुआ दिख रहा है, 99 से 65 पर पहुंच जाना, लेकिन फिर भी एक जीत की परिस्थिति में पहुंचना, जिस पर आप ये दूध का स्नान इस वक्त कराते हुए KCR को देख रहे हैं तस्वीरों में। AIMIM दूसरी तरफ, उसे भी नुकसान हुआ है 44 से 34 पर अभी तक के रुझानों के मुताबिक। कांग्रेस सुबह से 1 पर अटकी थी, धीरे धीरे 3 पर पहुंची है और 41 के साथ नंबर 2 की पार्टी बनती हुई बीजेपी। 3 पार्टियां और तीनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टीआरएस, बीजेपी और AIMIM। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। दूध का स्नान कराया जा रहा है KCR को, चित्रा, 65 के साथ नंबर 1 की पार्टी। देखिए जिस तरह की बढ़त, बिल्कुल जिस तरह की बढ़त अभी देखी जा रही है, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सुबह 8 बजे से लगातार दोपहर तक अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए थी और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है तस्वीर इसी तरह से हो, लेकिन अब जब KCR की पार्टी अच्छा करने लगी है तो फिर यकीनन अब दूध इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी भी। लेकिन चार मीनार पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक तरफ यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर RAF के जवानों की भारी तादाद में तैनाती की गई है। चारों तरफ अगर नजर डालेंगे, दूसरी तरफ आपको बता दें यहीं पर मक्का मस्जिद है, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ यहां पर ऐसा लग रहा है सैकड़ों की तादाद में RAF के जवानों की तैनाती है और पुलिस बल की भी। आगे आइए थोड़ा सा, पुलिस बल की भी यहां पर तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहे हैं उसके बाद से यहां पर जवानों की तादाद भी बढ़ती हुई चली जा रही है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन अपने आप में यह चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की गई,
और शुरुआती सफलता, हालांकि जो बैलेट बॉक्स खुले थे उसमें हमने देखा शुरुआती तौर पर बीजेपी जरूर भारी रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 2016 वाला प्रदर्शन, हालांकि उस समय 99 सीटें केसीआर की पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात तो मानी पड़ेगी अंजना, वो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से यहाँ के नेताओं के मन में एक डर पैदा कर दिया था, जिस तरह की चुनावी कैंपेन पूरे के पूरे बीते 20 दिनों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का देखा जा रहा है, और उसका फायदा भी, क्योंकि 3 सीटों वाली पार्टी अगर लगातार यहाँ पर कभी दूसरे नंबर पर पहुंच जाती है, कभी पहले नंबर पर पहुंच जाती है, तो यकीनन उसके लिए ये एक बड़ी खबर है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी अगर वो ज्यादा सीटों के साथ हासिल कर लेती है तो उसके लिए 2023 के दरवाजे तक पहुंचना और उसको जोर से खटखटाना इतना मुश्किल नहीं होगा, वो भी तब जब 2018 में सिर्फ एक विधानसभा की सीट ये पार्टी जीत कर आती है। कुल मिलाकर यहाँ पर दिन चढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसी के साथ यहाँ पर सरगर्मी भी बढ़ती चली जा रही है, काफी तेज कड़ाके की धूप यहाँ पर पड़ी है। दिल्ली में सर्दी है, मौसम का मिजाज लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर भारी भीड़ और जवानों की काफी ज्यादा मुस्तैदी इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालु भारी तादाद में आते हैं, और यहाँ पर जो मस्जिद है नमाज अदा करने के लिए जुमे की यहाँ पर लोग आते हैं, तो उसके मद्देनजर और आज जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम और उसी के हिसाब से लोगों की तादाद भी बढ़ती हुई चली जा रही है। अंजना रोहित, बीजेपी की धमक पर आप दोनों आशुतोष जी और संगीत रागी जी बोलना चाह रहे थे, संगीत रागी जी। देखिए मैं उन संजय जी की बात पर थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए बीजेपी का राइज जो है वो रीजनल पार्टीज, अब कांग्रेस उसका दुश्मन नहीं रह गया है, मूलतः रीजनल पार्टीज। और आप देखेंगे कि जो हैदराबाद के चुनाव में भी एक तरफ तो भाग्यनगर का मुद्दा तो था ही, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और बात कही, और वो कहा कि निजाम, नवाब निज़ाम से हमको डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना है। ये जो वहाँ पर टीआरएस जो पार्टी है, आने वाले दिनों में ये रीजनल पार्टी जो है वो उसी नक्शे कदम पर है जिस प्रकार से हमने देखा था उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बिहार के अंदर लालू जी की पार्टी, यानी कि एक पारिवारिक पार्टी के रूप में रीजनल पार्टियों को हमने पिछले 3 दशक में बनते देखा है। इसलिए लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए और एक बेहतर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि परिवार केंद्रित पार्टियां खत्म होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और जो कि उन्होंने अपने मिशन में इसको लाया भी है कि वो डेमोक्रेसी के लिए, ये जो परिवार की जो पार्टी है, परिवार पार्टी के खिलाफ अब हर जगह लड़ेंगे। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गया है, पंजाब में आज के दिन में वो अकाली दल के साथ नहीं है, शिवसेना जो एक हुआ करती थी वह भी एक परिवार पार्टी थी, वह भी उससे ये है। अभी जो है वो बिहार के अंदर जो है वो लोजपा थी, तो लोजपा भी अब करीब करीब NDA का हिस्सा नहीं रह गई है बिहार के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है जो प्रधानमंत्री ने बिहार के चुनाव जीतने के बाद कहा भी था। तो अगला जो ध्येय होगा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का, कि तेलंगाना के अंदर एक राजनीतिक लड़ाई को सिर्फ ओवैसी तक न सीमित करके, और जो वो कह भी रहे हैं वो TRS के खिलाफ भी मजबूती। आशुतोष जी एक बता दूं, बस मेहमान आ गए दो हमारे साथ, ठीक है, अनिल यादव आ गए हैं और KK शर्मा आ गए हैं बीजेपी से, दोनों से बात करेंगे, आप बोल लीजिए। देखिए ये अगर ये नतीजे अगर में तब्दील होते हैं तो पहली बात ये कि निश्चित तौर पर TRS के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि पिछली बार 99 सीटें और इस बार 65, अगर ये आंकड़ा रहता है इसका मतलब 34 सीटों का घाटा हो रहा, और ये 34 सीटें सीधे उठ के बीजेपी की तरफ जा रही 41 पे अगर ये आंकड़ा आता है, तो 34 सीटें अगर आप घटके और वो स्वाप हो रही हैं, इसका मतलब साफ ये है कि कहीं ना कहीं TRS के खिलाफ बीजेपी ने माहौल बनाने में जो कोशिश की थी उसमें उनको कामयाबी हासिल है, और जो वोटर TRS का वोटर था वो दरअसल अब बीजेपी की तरफ टर्न कर, पहली बात ये। दूसरी बात, अब चूंकि सरकार में होने के बावजूद वो अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा लेकर नहीं आ पा रहे हैं, ये उनके लिए दूसरी चिंता की बात, और तीसरी चिंता की बात ये होती है अगर यही आंकड़े रहते हैं, अगर ये 75 का आंकड़ा नहीं पार करते हैं, उस स्थिति में TRS को तय करना पड़ेगा कि क्या वो ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर मेयर बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अगर वो ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर अगर मेयर बनाने की बात करते हैं तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है आने वाले विधानसभा चुनाव की। वकार साहब इसका जवाब आपसे लेते हैं, अगर यही स्थिति होती है, नतीजों में तब्दील होता है, हाथ मिला लेंगे?
देखिए खुलकर इजहार हो जाएगा। देखिए जब सुबह आंकड़े दिखाए आप लोगों ने और रुझान दिखाए तो उस वक्त भी मैं मुस्कुरा रहा था, मैंने यही बात कही थी कि जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कने तेज हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुस्कुरा के कह रहा हूँ, देखिए हंस के कह रहा हूँ कि जैसे जैसे सूरज ढलेगा ये जो चार दिख रहा है अंक यहाँ जीरो हो जाएगा। इधर क्या रहेगा नहीं पता, लेकिन चार जहाँ पर है वहाँ जीरो हो जाएगा। सवाल नहीं समझे, ये मेरी बात को लिख लीजिए। सवाल समझ गया, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरा जवाब भी आप समझ। अभी कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी है और यही गुजारिश आप लोगों से करूंगा कि जो गलती आप लोगों ने सुबह की है वो गलती आप मत कीजिए। आपने जो सुबह आपने जो रुझान दिखाकर एकदम से टीआरपी बढ़ाई, एकदम से पूरे देश में हलचल मचाई और बीजेपी वाले बेचारे जो सामने रुझान आ रहे हैं हम दिखा रहे हैं, कोई जानबूझकर कुछ दिखा नहीं देता है। आप लोग जिस तरह से बातों को प्रोजेक्ट करते हैं वो गलत है, इसीलिए मैंने आपको टोका। अब मेरे सवाल पर आइए, या तो आप ये मान रहे हैं कि टीआरएस अपने बलबूते वहां पर बहुमत हासिल कर लेगी, वरना आशुतोष जी के सवाल का जवाब तो दीजिए, क्या खुलकर कबूल है बोलिएगा टीआरएस के लिए अगर नौबत अटकती है तो। जी देखिए, इस जवाब को लेने के लिए मैं समझता हूँ आपको एक बेहतरीन प्रवक्ता टीआरएस की तरफ से चाहिए था, वो आपको अरेंज करना चाहिए। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब असद ओवैसी साहब की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे ये आप बात कीजिए। अरे वही पूछ रही हूँ, वो क्या आप कबूल है बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे वो उनसे पूछ लेंगे। हार नहीं कबूल है, हम हार ही नहीं रहे, अभी धीरे धीरे शाम तक आने दीजिए, अभी तो 1:30 बजा है, शर्मा जी है, अभी शाम होने दीजिए फिर मैं पूछता हूँ। सुबह जब पोस्टल बैलेट्स खुल रहे थे तो फिर वही बात हुई, आप लोग आगे बढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है 40 पर पहुंचे हैं, हालांकि पिछली बार से जबरदस्त उछाल जरूर है, लेकिन विपक्ष का कहना है आपकी ध्रुवीकरण की राजनीति का परिणाम है। अंजना जी, हमने तो सुबह भी ये कहा कि हम संयम और धैर्य के साथ अंतिम परिणाम तक जो है इंतजार करें, और रही बात जो आपको परिणाम वहां पर दिख रहे हैं, अब ये कह देना, एक आरोप लगा देना कि ध्रुवीकरण है तो ये सब बहुत सामान्य बात है। अपनी हार यदि हमारी बढ़त है और उसको यदि आप कोई आरोपित करना चाहे तो ये शब्द उपयोग कर सकता है, प्रश्न ध्रुवीकरण का नहीं है। आप अंजना जी हमें वहाँ समझिए, तेलंगाना में हम वहाँ दक्षिण भारत में अपने संगठन का एक व्यापक विस्तार का कार्यक्रम लेकर पिछले 10 साल से चले, हमने वहाँ पर एक व्यापक अपने संगठन विस्तार के लिए पहले जो है सदस्यता अभियान चलाया, फिर हमने वहाँ पर संपर्क अभियान किया, फिर हमने प्रशिक्षण अभियान किया और बूथ स्तर से लेकर वार्ड लेवल पर कैसे नेतृत्व को उभारा जाता है इसका एक अच्छा उदाहरण यदि पूरे भारत के राजनीतिक दलों में देखने को आपको मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। इसीलिए हमने इतने प्रभावी ढंग से इस नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को लड़ा है, क्योंकि नेतृत्व यहाँ से उभरेगा, परिवार से विरासत से नेतृत्व नहीं आते और ये हमारा अटूट विश्वास है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि नेतृत्व कैडर से और जमीन से निकलता है, अन्य दलों की स्थिति है कि वो परिवार से विरासत के आधार पर निकालने की बात है। ठीक है, एक बार और कमेंट अपनी बात, एक बार यादव जी से कमेंट तो ले लें, आपने इतना निशाना साध दिया उन पे। मैं संजय जी की एक कमेंट को मैं बस करता हूँ, ठीक है जवाब दीजिए फिर यादव जी के पास जाए, बोलिए। संजय जी ने कहा कि जो है भाजपा वहाँ कांग्रेस की जगह को कवर कर, हम कांग्रेस तो पिछली बार भी 2016 के उसमें जो है 2 सीटों पर वहाँ खड़ी थी, तो हम उनका नहीं कवर कर रहे, हमने टीआरएस को जो वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है हमने उसको जो है पीछे किया है, उसको 99 से घटा के 6 इस पे लाए हैं, हमें ला रहे हैं अभी। यदि इस अभी के परिणाम पर बात करें, रही बात यदि यही उदाहरण देखना है क्षेत्रीय दलों का जो उन्होंने कहा, तो आप पश्चिम बंगाल में देखें, पश्चिम बंगाल में हमने जो है टीएमसी के लोकसभा के 18 सीट लिए हैं, हमने वहां पर वामपंथ और उसके जो थे यदि आप कहें तो वो एकदम शिफ्ट हो चुका था टीएमसी में, वहां तो कांग्रेस कहीं थी नहीं पिछले 30-20 साल से वहां कांग्रेस नहीं, तो वहां पर हमने जो 18 सीट गेन किया वो हमने वामपंथी जो वहां पर एक प्रमुख दल था, दूसरा जो टीएमसी जो इसके पहले
बड़े उसमें सीटें जीती थी, हमने उनसे लिया है। ठीक है सर, तो ये कहना जहां, हाँ ये बात मैं संजय जी की मानता हूं कि जहां पर डायरेक्ट फाइट है हमारे और कांग्रेस की, वहां हम जो है कांग्रेस को वो शिफ्ट करते हैं अपनी। लेकिन बाकी जगह में पंजाब में अभी कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट ही कर रहे थे ना आप कुछ समय पहले तक, और आगे भी करेंगे जी जी। तब देखा जाएगा कि वहाँ क्या स्थिति होती है। लेकिन अनिल जी, आप तो कांग्रेस सुबह से लेके अब तक रह गई है। अच्छा ठीक है, इसलिए आप कांग्रेस को बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, अभी जो अपने विश्लेषक हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, कांग्रेस तो अब कहीं है नहीं, कांग्रेस ठीक है सर। ओके, लेकिन अनिल जी सुबह से लेके अब तक कितना उलटफेर हो गया, कितना पानी बह गया, 80 चली गई थी बीजेपी अब 40 आ गई, लेकिन कांग्रेस 2-3 पर ही आ पाई अभी तक। जी अभी सारा जो डिबेट हो रहा है बीजेपी को लेके डिबेट कर रहे हैं, पर एक चीज आप देखना चाहिए कि आने वाले एक घंटे के अंदर इनके जो 40 दिख रहे हैं आप जैसे देख रहे हैं कि चार पे आके रुक जाएंगे। बाकी जो समीकरण है इलेक्शन से पहले की बात अगर हम देखेंगे, टीआरएस और एमआईएम एक ही साथ चलने वाली पार्टी है, जो वहाँ पे लोकल राजनीति प्रदेश के अंदर करते हैं वो साथ में मिलके करते हैं। टीआरएस और हमेशा एमआईएम ने बताया है कि टीआरएस का जो स्टीयरिंग है, जो कार का स्टीयरिंग है, वो उनके हाथ में चलता है। चुनाव नतीजे पूरे आने के बाद समीकरण आप देखेंगे, सारे मिलके दोबारा एक साथ एक ही गाड़ी में बैठेंगे। रही बात बीजेपी की, जो पूरे जितने भी प्रदेश के जितने भी मतलब नेता है वहाँ पे आके प्रचार करे, उनका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा आने वाले 1-3 घंटे के अंदर, सारे नतीजे आपके सामने आएंगे। जिस तरह से क्या उम्मीद कर रहे हैं, कांग्रेस आ जाएगी 40 पे? मैं कांग्रेस आएगी नहीं आएगी वो सब लोगों का जो मतदाता का जो, अब ये तो अच्छी बात होगी सर, मेरे घर में बत्ती नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे घर में अंधेरा है ना, मैं इसी में खुश हूँ। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति होगी फिर। अंधेरा किसके वजह से हो रहा है वो भी देखना है ना रोहित जी आपको, अंधेरा ये जो माहौल बना रहे लोग यहाँ पे आके, क्या ऐसे क्या जरूरत आ गई इतनी, सारे देश के नेता नरेंद्र मोदी से लेकर, भाई अगर आपके मुताबिक ये वापस 4 पे ही आ जाएंगे जो आपने खुद कहा कि 2 घंटे में बदल जाएगा, ये वापस 4 पे होंगे तो फिर तो कुछ नहीं बदला ना, और कुछ नहीं बदलने में आप मैदान में होके भी नहीं हुए ना 3 में ना 13 में। मैदान में हम, हमारा एक बात ये है रोहित जी, हम लोग हमेशा मैदान में थे, मैदान में रहेंगे, पर जिस तरह से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है सारा माहौल की भी, अमित शाह ने खुद आके बोला है कि वो मेयर बनाएंगे, वहां पे आके अमित शाह बोले कि बीजेपी का मेयर बनेगा, वो तो अभी पता चल जाएगा, अभी 1-2-3 घंटे में पता चल जाएगा कौन मेयर बनेगा क्या बनेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हाई वोल्टेज कैंपेनिंग किया है आके वहां पे माहौल, तो आप इसी में खुश है कि इनका मेयर तो नहीं बनेगा अमित शाह के कहने के बाद भी, आपको भले ही 3 सीट आ रही हो। हमारा यहाँ पे हमारा कांग्रेस पार्टी का जो काम है वो हमेशा लोगों के बीच में रहा है वो रहेगा, लेकिन आप जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी का जो माहौल आप सुबह से बता रहे हैं पूरे नेशनल, सर हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कुछ आंकड़ा आ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। पहली चीज, हम प्रोजेक्ट तब कर रहे होते हैं जब बीजेपी जीत रही होती 4 और हमने लिख दिया होता 40। जब बीजेपी 4 पे आ जाएगी ये स्क्रीन पे अपने आप 4 हो जाएगा, ये ऑटोमेटेड होता है, ये किसी पार्टी दफ्तर से या कहीं आपके उससे कनेक्ट होके नहीं चल रहा है, ये अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बजाय इसके कि टीवी चैनल पे ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि टीआरएस और एमआईएम का तो गठबंधन है, बजाय इसके कि अमित शाह ने तो वहां प्रचार कर दिया था, आपको ये सोचना चाहिए ना कि आपकी ये दुर्गति क्यों है, आप अपने घर पे नहीं देखना चाहते, बाकी सबका पता रखना चाहते कि यहाँ क्या हो रहा है। रोहित जी हमारे घर पे हम जरूर देखेंगे, हमारा जो भी काम है, हमारा जो भी लीडरशिप है उस पे हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग हमारा जो काम है वो हमेशा करते आ रहे हैं। हमारा काम है इलेक्शंस नहीं, इलेक्शंस रहो ना रहो हम हमेशा लोगों के सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सेवा करते रहेगी। ओके चलिए, नंबर 1 की पार्टी तो टीआरएस बन गई है 66 के साथ 40 बीजेपी, नंबर 2 की पार्टी 34 पर एआईएमआईएम 10 सीटों का नुकसान है एमआईएम को रुझानों के मुताबिक, वहीं लगभग 30 सीटों का आप देख रहे हैं 33 सीटों का टीआरएस को होता हुआ, बीजेपी को जबरदस्त फायदा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।